इस वीडियो में हम लोग क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको इससे पहले की दो वीडियो में बता दिया, एक में क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट थी, क्रॉप को हम कैसे उसके वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, सीड को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा था हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, हम क्रॉप को उगा रहे हैं तो उसको कैसे और प्रोटेक्शन दे सकते हैं, कैसे प्रोड्यूस अच्छे से कर सकते हैं। अब तीसरा है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में क्या है, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में ये दो चीज आते हैं। पहली चीज क्या आते हैं, पहली चीज ये आते हैं कि जब हमारा क्रॉप उग रहा हो तब हम उसको कैसे बचा सकते हैं, जैसे कि वीड्स कुछ और ऐसे छोटे मोटे घास फूस लग जाते हैं जो हमारे क्रॉप को अच्छे से बढ़ने नहीं देते। दूसरा कीड़े मकौड़े लग जाते हैं। दूसरा क्या लग जाता है, कीड़े मकौड़े छोटे छोटे इंसेक्ट लग जाते हैं जो हमारे क्रॉप फसल को पूरा बर्बाद कर देते हैं। और ये पहली चीज में आ गए कि हमारे क्रॉप जब उग रहे होते हैं उस वक्त खराब हो जाते हैं। दूसरी चीज में क्या आ जाते हैं, हमारे स्टोरेज ऑफ ग्रेन, मतलब जब हमारा क्रॉप उग चुका है हम उसको स्टोर करते हैं, तो वहां पे जैसे कि एक गोदाम है उसमें हमने क्रॉप स्टोरेज कर लिया है, तो वहां पे जैसे कि चूहे लग जाएंगे तो हमारा क्रॉप वो हमारा पूरा खराब हो गया। या फिर हमारा कभी कभी आपने देखा ही होगा, गेहूं अगर आप लोग घर में रखते हैं, तो उसमें है ना छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं जिन्हें घुन कहते हैं, वो लग जाते हैं, तो हम उनसे कैसे बचा सकते हैं। तो क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में क्या है कि वीड्स मतलब जो छोटे छोटे घासें उग जाती हैं उनको हम कैसे बस हटा सकते हैं, वीडिसाइड्स के हेल्प से। वीडिसाइड्स एक स्प्रे आता है, वीडिसाइड्स जो कि हम वीड्स के ऊपर डालें तो वो छोटे छोटे घास फूस होते हैं वो मर जाते हैं। दूसरा जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, कीड़े मकोड़े उनको हम पेस्टिसाइड्स या पेस्ट कहते हैं, उन्हें हम पेस्टिसाइड से हटा सकते हैं। और ये पैथोजेंस है, पैथोजेंस मतलब कोई छोटे कीड़े वगैरह आ गए, फंगी वायरस ये सब हमारे प्लांट को हो गया, तो हम उनको कैसे, हम लोग उनको इन सारे स्प्रेस की वजह से, पेस्टिसाइड वीडिसाइड्स हो गया, इन सब स्प्रे की वजह से हटा सकते हैं। स्टोरेज ऑफ ग्रेन, स्टोरेज ऑफ ग्रेन में क्या है, अगर हमारा ग्रेन हमें स्टोर करना है तो हम लोग उसको खराब ना हो तो सबसे पहले हम उसको धूप दिखाएंगे, धूप में रखेंगे, सन में रखेंगे। दूसरी चीज होगी कि हम उसमें कोई ऐसा जिस रूम में रख रहे हैं रूम एकदम साफ हो जैसे कीड़े मकोड़े उसमें ना लगे। तीसरी चीज हमारी ये हो गई कि हम उसके अंदर कुछ ऐसे जैसे आप लोगों ने देखा होगा गांव वगैरह में नीम वगैरह गेहूं के अंदर रख देते हैं, जैसे गेहूं में खराब ना हो ऐसी चीज रख सकते हैं, या कोई केमिकल रख सकते हैं उनके अंदर जैसे कि वो चीज खराब ना हो। ये चीज हो गई थी। और एक और क्रॉपिंग पैटर्न है, ये तीन, ये क्रॉपिंग पैटर्न, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, जब आप लोग क्रॉप को उगा रहे होते हैं, तो आप लोग क्रॉप को कैसे उगा रहे हैं, एक फसल जैसे कि आपने आलू की लगा दी, आलू उग रहा है, इधर आलू उग रहा है, इधर आपने तुरंत मतलब ऐसे ही मिक्स कर दिया गोभी बैगन प्याज वगैरह ऐसे मिक्स कर दिया, तो उसे मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं, मतलब आपने कुछ सिक्वेंस नहीं लगाया। इंटरक्रॉपिंग क्या होती है कि आपने ना इंटरक्रॉपिंग क्या होते हैं, इधर आपने आलू लगा दिया, दूसरे रूम में आपने बैंगन लगा दिया, तीसरे रूम में आपने प्याज लगा दिया। और क्रॉप रोटेशन क्या होता है, इस मौसम में आपने आलू लगा दिया तो अगले मौसम में आपने प्याज लगा दिया तो, और अगले मौसम में आपने वो लगा दिया, ये क्रॉप रोटेशन होता है। तो इन सब के फायदे क्या होते हैं, इन तीनों चीज के फायदे ये होते हैं कि मिक्स क्रॉपिंग में जैसे कि अगर आपके एक फसल में कीड़ा लग गया, मिक्स क्रॉपिंग में एक फसल में कीड़ा लग गया तो आपके जो दो फसल होंगे बचे रहेंगे। इंटर क्रॉपिंग में क्या होते हैं कि जैसे कि आपने कोई चीज इस रो में होगा, अगर इस रो में आपको समझ लीजिए कि पेस्ट वगैरह लग गए, कीड़े वगैरह लग गए, तो इस रो तक आने आने आप उसे बचा लेंगे, केमिकल वगैरह की हेल्प से इधर मार देंगे तो आपकी दो फसल अच्छे से हो जाएगी। और क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि ये आपका क्रॉप है, अगर इस मौसम में आपने कुछ उगाया अपने खेत में, कुछ आपने मौसम में अपने खेत में उगाया तो उसमें आपने सॉइल में क्या डाला, फर्टिलाइजर डाला, फर्टिलाइजर में मानो नाइट्रोजन ज्यादा था हाँ और फास्फोरस कम था, तो फास्फोरस उसने पूरा ले लिया क्रॉप ने, सॉइल ने, लेकिन नाइट्रोजन बच गया, तो अगले मौसम में आप ऐसी कोई चीज उगा दीजिए कि जो नाइट्रोजन को पूरा ले ले, तो ये क्रॉप रोटेशन हो गया। ये भी 3 मार्क्स में आ सकता है।
अब एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल हस्बेंड्री में चार चीजें आती हैं, एक कैटल फार्मिंग आती है, पोल्ट्री फार्मिंग आती है, बीकीपिंग आती है, फिश प्रोडक्शन आती है। कैटल फार्मिंग मतलब गाय भैंस इन सबको रखने वाला आता है, और पोल्ट्री फार्मिंग